नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो प्यून की वैकेंसी निकली है उसका अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है और उसके ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि या मिस्टेक हो गया है, तो कैसे आप उस अप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन एडिट कीजिएगा, उसकी ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इससे रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हर एक जानकारी को मैं स्टेप बाय स्टेप और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट खुला हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहीं से क्लिक करके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं और उनके अप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि मिस्टेक हो गया है, तो कैसे एडिट करेंगे, वो लोग परेशान न हो, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख ले, सारा प्रोसेस जान ले, इसके बाद आपका हर एक दुविधा खत्म होने वाला है, यानी करेक्शन से रिलेटेड आपकी परेशानी है जो दूर हो जाएगी। पर दोस्तों, इस वेबसाइट पे भी करेक्शन से रिगार्डिंग कोई सूचना दी गई है, उसको एक बार देख लेना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि दिया गया है स्टेप फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। पर जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर 8 नंबर जो दिया गया आर्टिकल, उसमें एडिट के बारे में बताया गया है कि आखिर कैसे आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, वंस द कैंडिडेट अपलोड्स ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन सेव बटन, देन द पेज विल बी रीडायरेक्ट टू एडिट मोड। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, हर डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं, फाइनल सबमिट यानी सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो उसके बाद आपको नीचे में एक एडिट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, यानी एक अलग से आपको करेक्शन विंडो भी वहां पर दिया हुआ होगा कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, करेक्शन करने का उसमें भी विंडो एक दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं, या आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा, और उसके बाद भी एडिट का ऑप्शन नीचे आता है। पर दोस्तों, इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक अलग से ही आपको पेज देखने को मिलेगा जो कि एडिट का रहता है, उसके बावजूद भी अगर आपने गलती कर दिया है तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि आप फिर उस क्राइटेरिया में नहीं कर सकते हैं एडिट। यहाँ दिया गया है कैन नॉट बी एडिटेड, अगर एक बार आपने पेमेंट अप्लाई कर दिया है, फाइनल सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिलेगा करेक्शन का। पर दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि आप करेक्शन नहीं कर सकते, ऐसे में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, उनको विभाग द्वारा चाहिए कि एक उनको तिथि जारी करनी चाहिए कि जो भी फाइनल सबमिट कर दिए हैं वो दोबारा से सुधार कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर होगा दोस्तों, जैसे ही इसका अप्लाई डेट ख़त्म होगा वैसे ही विभाग द्वारा करेक्शन से रिकॉर्डिंग विंडो है जो ओपन कर दिया जाएगा, फिर आप सभी आसानी के साथ सुधार कर पाइएगा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ ताकि इसके नोटिफिकेशन में बताया गया। दोस्तों, करेक्शन के रिकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑफिशियली तौर पर प्रश्न पूछा है और वो भी खुद विभाग ने जवाब भी दिया है, तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या जवाब होता है उनका और कैसे सुधार होता है, उसकी भी जानकारी को यहाँ देखना है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 3 डॉट देखने को मिलेंगे, 3 डैश, इस पर सिंपल से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथ यहाँ पर सामान्य प्रश्न FQ का एक ऑप्शन आएगा, अगर आपने इंग्लिश वेबसाइट किया हुआ है तो, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो, मैंने यहाँ पर हिंदी में सारा कुछ यहाँ पर ट्रांसलेट किया रखा है, इस कारण ऐसा आ रहा है टेक्स्ट में। तो सामान्य प्रश्न पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है FAQ में कि सामान्य प्रश्न क्या होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि मैंने गलती से अपने आवेदन में गलत जानकारी दर्ज कर दी है, मैं इसे कैसे ठीक करूँ। तो यहाँ पर देखिए विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है कि यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि भरी गई सभी जानकारी सही है तो वह घोषणा का चयन कर सकता है और पृष्ठ पर दिए गए अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक कर सकता है, अन्यथा उसके द्वारा भरी गई जानकारी को संपादित कर सकता है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में
भरी गई सभी जानकारी को अंतिम रूप से जमा करने से पहले जांच लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई सुधार संभव नहीं होगा। एक बार जमा की गई जानकारी को सुनिश्चित कर ले संपादित नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान रखना चाहिए आवेदन पत्र में केवल सही जानकारी ही दर्ज की जाए, केवल तभी जब सुनिश्चित हो कि जानकारी सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करें, यानी आपको एक पहले ही सबमिट बटन से पहले आपको एक एडिट का विंडो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे में यहाँ पर करेक्शन से रिगार्डिंग कोई सूचना दी नहीं गई है कि आप लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ निवारण बताया गया है। और दोस्तों आपको ऐसे में घबराना नहीं है, आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सुधार हो जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी इसका करेक्शन रिगार्डिंग कोई सूचना जारी हो तो आपको मैं तुरंत सूचित कर सकूं। अब चलिए जो दूसरा प्रोसेस है कि आखिर कैसे सुधार होगा उसकी जानकारी को मैं यहाँ आप सभी को बता देता हूँ। तो सिंपल से इसी वाले आइकन पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक आ जाएगा सहायता केंद्र हेल्प डेस्क, इस पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही के साथ दोस्तों आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि अगर ऑनलाइन आवेदन संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या त्वरित प्रक्रिया के लिए कृपया मेल के विषय में अपना आवेदन संख्या अनिवार्य रूप से बताएं। तो दोस्तों अगर आपका बाय मिस्टेक एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि हो गया है तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विषय में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर वहाँ पर मेंशन कीजिएगा, और जो भी जानकारी या जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसका पूर्ण विवरण देकर इस ईमेल पे आपको सेंड करना है। हो सके दोस्तों सेंड करते ही आपका जो है डिटेल्स फॉर्म का विंडो ओपन कर दिया जाए, दोबारा से आप सुधार कर सकते हैं। तो ऐसे में आप चाहे तो इसका हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने दो तरीके का यहाँ पर उपाय है, आप दो रास्ते से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं या फिर करेक्शन डेट का वेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट आपके मन में बचा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जैसे ही इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपको सूचित करूँगा। तो ऐसे में आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आवश्यक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।